सोलन में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बीते दिन की तरह आज भी बादल छाए रहे और हल्की हल्की बूंदें हो रही हैं। बारिश होने की वजह से जहां एक ओर तापमान में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम सोलन को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। सड़क पानी की मार झेल नहीं पा रही है। सड़क किनारे जो डंगे लगाए गए थे वो गिर रहे हैं। इस बारिश से कई वार्डों में बेहद अधिक नुकसान हुआ है। लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। लोगों को जानमाल का नुकसान ना हो इसलिए नगर निगम सोलन के अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पे हैं। ये जानकारी नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से नगर निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11 बारिश से बेहद प्रभावित हुए हैं। कई जगह डंगे गिरे हैं तो कई जगह घरों में पानी भी घुसा है। जो बेहद जरूरी कार्य हैं वो नगर निगम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर करवाए जा रहे हैं ताकि बारिश से अधिक नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि जैसे ही नुकसान की खबर नगर निगम को मिल रही है उनके अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचकर हानि का आकलन कर रहे हैं और तुरंत बचाव कार्य भी आरंभ किया जा रहा है। जो अभी हमारे पास वार्डों की लिस्ट आई है जिसमें बरसात की वजह से नुकसान हुआ है, जैसे कि वार्ड नंबर 7 में एक डंगे का था और वार्ड नंबर 10 में भी जो पार्किंग के नज़दीक डंगा था वो गिर रहा था और वार्ड नंबर 11 में भी नुकसान हुआ था कि किसी के घर में पानी गया था। तो हमने जेई को साइड पे भेजा था एस्टिमेट बनवाकर, वो अति शीघ्र इमरजेंसी काम करवाए हैं और बाकी भी जैसे हमारे पास वार्डों से डिमांड आएगी और जैसे बरसात कंटिन्यू लगी हुई है तो जैसे भी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो हम साइड पे एसडीओ जेई टेक्निकल स्टाफ को भेजेंगे और वहाँ के एस्टिमेट बनाएंगे और तुरंत उस काम को जो है करवाएंगे।